आयरलैंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय समुदाय ने जोरदार उनका स्वागत किया। सबसे पहले भारतीय और आयरलैंड के बच्चों ने संस्कृत में स्वागत गान गाया। मोदी ने कहा कि अगर भारत में स्वागत गान होता तो सेकुलरिज्म के नाम पर विवाद खड़े कर दिए जाते। मोदी ने कहा कि अगर भारत में दम नहीं होता तो दुनिया उसे क्यों पूछती। ब्रिक्स देशों में भारत ताकतवर देश है, यहां 65% जनसंख्या युवाओं की है। मोदी ने कहा कि भारत में लोगों को कभी सिर झुकाकर नहीं चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगनी है। क्षमा इसलिए मांगनी है कि मुझे आपको ज्यादा टाइम देना चाहिए था। बहुत लोगों की शिकायत है कि हमें आने के लिए अंदर एडमिशन नहीं मिला, प्रवेश नहीं मिला। अच्छा होता मैं जरा ज्यादा समय लेकर के आया होता तो यहां बसे हुए भारतीयों को बहुत बड़ी संख्या में मिल पाता। लेकिन मैं इतना कहूंगा, ये शुभ शुरुआत है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे, शायद बहुत कम ऐसे होंगे जिनको ये याद होगा कि कभी भारत के प्रधानमंत्री यहां आए थे। क्योंकि मुझे बताया गया कि करीब 60 साल के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री यहां आए हैं। वैसे दिल्ली से न्यूयॉर्क तो हर बार जाना पड़ता है और आकाश में तो यहीं से गुजरते हैं। तो आप लोगों के प्यार ने मुझे खींच लिया है तो ऊपर से मैं नीचे आ गया। आज मेरी यहां के प्रधानमंत्री के साथ बड़ी विस्तार से बातें हुई और बहुत समय कम था, लेकिन मीटिंग इतनी बढ़िया रही, इतने विषयों पर चर्चा हुई, इतनी बातों पर सहमति का माहौल है। मैं समझता हूं कि आयरलैंड के साथ भारत के संबंध और अधिक गहरे होने चाहिए, अनेक विषयों के साथ जुड़े हुए होने चाहिए। और 2016 में आयरलैंड अपनी आजादी की शताब्दी मना रहा है, आजादी के संघर्ष की शताब्दी मना रहा है। भारत भी उसी समय आजादी का संघर्ष कर रहा था और एक प्रकार से भारत भी आजादी की लड़ाई लड़ता था, आयरलैंड भी आजादी की लड़ाई लड़ता था। और उस अर्थ में ये हमारी सांझी विरासत है। तो हम सोच रहे हैं कि ये 2016 का आयरलैंड का आजादी का जो संग्राम है उसकी शताब्दी में भारत भी भागीदार बने, भारत भी आयरलैंड की और भारत की जो विशेषताएं हैं, कुछ मूल्य बहुत किसी न किसी कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जैसे भारत में सत्य के लिए जीना मरना, ये सदियों से हम सुनते आए हैं। एक आदर्श के लिए, विचार के लिए बलि चढ़ जाना, खुद को कष्ट देते हुए जीवन को समाप्त कर देना,
ये हम सदियों से सुनता है। लेकिन कहते हैं कि 1920 में आयरलैंड में हंगर स्ट्राइक हुआ और यहां के नागरिक ने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। यानी वैल्यूज कितने हमारे मिलते जुलते होंगे इसका अंदाज आ सकता है। मानवता से जुड़ी हुई इन बातों में अपनी एक ताकत है और हमारी कोशिश यही है उन्हीं चीजों को हम बल दें। अब आयरिश बच्चे संस्कृत में मंत्रोच्चार कर रहे हैं, स्वागत गान गा रहे हैं और वे रटे रटाए शब्द बोल रहे थे ऐसा मुझे नहीं लगा। किस शब्द में उनका क्या भाव था वो भी अभिव्यक्त हो रहा था, मतलब उन्होंने इस बात को इंटरनलाइज कर दिया था। उनके जो भी शिक्षक इस काम को करते होंगे मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन ये खुशी की बात है आयरलैंड में तो हम ये कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा कुछ करते तो पता नहीं। सेक्युलरिज्म पर सके सवालिया निशान खड़ा हो जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आयरलैंड में वहां के पीएम एंड्रयू केनी ने आधिकारिक स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके बाद प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत में हिस्सा लिया। पीएम केनी ने उनके दोनों देशों के आर्थिक रिश्ते को और मजबूत करने पर भी बातचीत की। केनी ने मोदी को मोदी और आयरलैंड लिखा हुआ एक टी शर्ट दिया। इससे पहले जब मोदी आयरलैंड की राजधानी डबलिन पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। किसी भारतीय पीएम का 60 साल में यह पहला आयरलैंड दौरा है। आयरलैंड में मोदी भारतीय कम्युनिटी के लोगों से भी मिल रहे हैं। आयरलैंड से वो कल 24 सितंबर को अमेरिका जाएंगे जहां वो 70वें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में शामिल होंगे, जिसके बाद 26 और 27 सितंबर को कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली जाएंगे और वहां भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात होगी।